हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अभिजीत एंड यू आर वाचिंग दी अभिजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं कि मैं इससे पहले 12 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट से देखिए, आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो वहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, मेरा मानना है कि मैथ्स पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने YouTube चैनल पे अपलोड करता हूँ, ठीक। तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे प्रूव हमें करना है कि log ऑफ cos x की जो वैल्यू होगी माइनस ऑफ 1/2x² माइनस 1/2lx⁴ माइनस 1/45x⁶ होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैकलॉरिन्स थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। तो जैसे मैं अभी तक वीडियो सॉल्व कराया हूँ, ठीक उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करूँगा। तो मैं बताया हूँ कि क्या कि किसी भी एक्सपेंशन को एक्सपेंड करने के लिए हमें मैकलॉरिन्स का थ्योरम स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो मैं देखिए कैसे इसको सॉल्व करता हूँ। तो लिखूँगा प्रूफ, हमें प्रूफ करना है, तो लिखेंगे कि बाय मैकलॉरिन्स सीरीज या थ्योरम, जो भी आप बोलें, हमें क्या पता है कि y इक्वल्स टू क्या होता है, y ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स इंटू वाई वन ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपान टू फैक्टोरियल वाई टू ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब अपान थ्री फैक्टोरियल वाई थ्री ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स टू द पावर फोर अपान फोर फैक्टोरियल वाई फोर ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स टू द पावर फाइव अपान फाइव फैक्टोरियल वाई फाइव ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स टू द पावर सिक्स अपान सिक्स फैक्टोरियल वाई सिक्स ऑफ ज़ीरो। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों इतना ज़्यादा लिख रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए एक्सपेंशन हमें सिक्स तक पूछा है, इसलिए मैं सिक्स तक लिखा हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, वाई एफ जीरो वाई वन एफ जीरो वाई टू एफ जीरो, ये आपको याद होना चाहिए, ये आगे और भी होता है, ठीक है ना, सेवन के लिए एट के लिए। तो हम क्या करेंगे कि वाई एफ जीरो वाई वन एफ जीरो वाई टू एफ जीरो वाई थ्री एफ जीरो, मतलब सबकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वही मेरा रिक्वायर्ड एक्सपेंशन होगा। तो चलिए देखते हैं मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। क्या करेंगे कि पहले वाई एफ जीरो फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए मैं पहले वाई तो कंसिडर करूँ, तो जो एक्सपेंड करना है उसी को मैं वाई कंसिडर करूँगा। तो किसको एक्सपेंड करना है, लेट वाई इक्वल्स टू क्या, लॉग ऑफ कॉस एक्स, इसी को तो एक्सपेंड करना है, तो इसको मैं वाई कंसीडर कर लिया, ठीक। अब मैं वाई मेरा आ गया, तो वाई एफ जीरो चाहिए, देख लीजिए, फिर वाई वन एफ जीरो चाहिए। तो वाई एफ जीरो फाइंड आउट करने के लिए सिंपली जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जीरो पुट करेंगे, तो लॉग फिर से कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या ये लिखा है, ये लिखा है कि लॉग वन, यही लिखा है कि दिस इम्प्लाइज वाई एफ जीरो इक्वल्स टू log ऑफ वन है, और log वन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो डेट इज वाई एफ जीरो की वैल्यू जीरो आई, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा कि वाई वन एफ जीरो फाइंड आउट करूँगा, तो उसके लिए मैं इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं बार बार लिखूँगा नहीं कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आप समझ सकते हैं। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इस y का करेंगे तो y1 हो जाएगा, और फिर इस log cos x का फार्मूला होता है, चाहे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं, सब कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा। तो log cos x का करेंगे तो क्या होगा, वन अपान cos ऑफ x, क्योंकि वन अपान x log x का क्या होता है, वन अपान x, और फिर जब इसका करेंगे cos x का तो क्या होगा, माइनस ऑफ साइन x होगा। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ tan ऑफ x, जो क्या आया है, मेरा y1 की वैल्यू आई है, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा कि y1 ऑफ जीरो फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, देख लीजिए, ठीक। तो y1 ऑफ जीरो फाइंड आउट करने के लिए जहाँ x है वहाँ पे क्या, जीरो पुट करेंगे, तो माइनस tan यहाँ पे x के जगह पे जीरो, तो tan जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो ही होती है, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक। दैट इज y1 ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक। अब मैं y2 ऑफ जीरो फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए इस इक्वेशन को फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो प्लीज़ कम्प्लीटली वीडियो को देखें। तो जब इस y1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, और जब इसका करेंगे तो माइनस तो आ जाए, फिर से tan x का क्या होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है। होप आपको डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले पता होंगे, ठीक। अब y2 आ गया तो क्या, y2 ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो प्लीज़ ध्यान से देखें मैं कैसे कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि माइनस ऑफ sec
स्क्वायर यहाँ पे एक्स है तो क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी अल्टीमेटली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वाई टू एफ जीरो की वैल्यू माइनस वन आएगी, क्योंकि सेक जीरो क्या होता है, वन होता है, ठीक। तो यहाँ पे माइनस वन आएगी, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि वाई थ्री एफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो उसके लिए फिर से इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं क्या करूँगा, जब y2 का करूँगा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो y2 का क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस को एजिटिज बाहर ही रहने देंगे, और sec स्क्वायर x का जब करेंगे x टू द पावर n टाइप का से फार्मूले से, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 sec x, और फिर इस sec x का करेंगे क्या, 2 sec x, और फिर से sec x का जब करेंगे तो sec x tan x होता है, sec x का क्या होता है, sec x tan x होता है, होप आपको पता हो। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे माइनस टू सेक सेक क्या है, तो सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, फिर से टेन एक्स लिख देंगे, ठीक। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिखें क्योंकि हम फर्दर डिफ्रेंशिएशन करेंगे थोड़ा ईजी पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस टू और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स देख लीजिए, माइनस सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, वाई टू है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, y2 पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे tan x देख लीजिए, tan x की वैल्यू क्या है, tan x की वैल्यू जैसे y1 की वैल्यू क्या है, माइनस tan x है, तो tan x जब की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस हाफ y1 आ जाएगा, तो यही माइनस वन आ गया है, यहाँ पे क्या होगा y1, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि ये किसकी वैल्यू निकला है, मेरा y3 की वैल्यू निकला है, ठीक है ना। तो अब मैं y3 ऑफ जीरो फाइंड आउट करूँगा, तो उसके लिए क्या करूँगा, माइनस टू फिर से y2 ऑफ जीरो, y2 ऑफ जीरो यहाँ पर टू है, फिर से क्या है, y1 ऑफ जीरो, ठीक। तो y2 ऑफ जीरो की वैल्यू क्या अभी फाइंड आउट किया हूँ, माइनस वन, तो माइनस टू है पहले से और माइनस वन ब्रैकेट में, फिर से y1 ऑफ जीरो की वैल्यू अभी देख लीजिए, यहाँ पे जीरो फाइंड आउट किए हैं, तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हो भाई जीरो ही आएगा, तो y3 ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आई हमारे पास, जीरो ही आई, ठीक। अब मैं y4 फाइंड आउट करूँगा, फिर y4 ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीटली देखें। तो उसके लिए फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, तो y3 का क्या होगा, y4 हो जाएगा, और इसको u इंटू बी से करेंगे, बहुत मज़ेदार है, प्लीज़ कम्प्लीटली देखिए। तो जब मैं इसका करूँगा y2 का, तो क्या हो जाएगा, माइनस टू तो पहले से है, और y2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, y3, फिर क्या करेंगे, इस y1 को एज इट इज छोड़ देंगे, u इंटू बी से कर रहे हैं, फिर हमारा क्या होगा, माइनस टू, अब देखिए y2 को एज इट इज छोड़ेंगे क्योंकि अभी किए थे ना, फिर y1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, तो माइनस टू वाई टू का स्क्वायर हो जाएगा। होप आपको समझ आया हो। तो थोड़ा और इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो मैं लिख सकता हूँ, जैसे माइनस को कॉमन लेके लिखूंगा तो लिख सकता हूँ टू, बार माइनस कर दिया हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई थ्री वाई वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस टू यहाँ पे वाई टू का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखूँ तो क्या, माइनस टू, जैसे टू भी कॉमन ले लूँगा, ठीक है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, फिर वाई वन वाई थ्री और यहाँ पे क्या, प्लस वाई टू का स्क्वायर, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि वाई फोर ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट है और वाई फोर निकल भी गया है, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, हमारे पास आएगा माइनस टू, कैसे आया है, जैसे अभी ये सब फाइंड आउट किए हैं, ठीक है ना। तो होप आपको समझ आया हो, और अगर आप मेरा वीडियोस देखते आ रहे होंगे तो आपको कंफर्म समझ आएगा, ठीक। तो प्लीज़ सभी वीडियोस देखते आइए। अब मैं क्या करूँगा, वाई फाइव ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो उसके लिए पहले वाई फाइव तो निकालूँ, तो ये तो वाई फोर है, ये वाई फोर है ना, तो अब वाई फाइव निकालने के लिए इसको एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि मैं बार बार लिखने नहीं जा रहा हूं कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उससे क्वेश्चन लंबा होगा और वीडियो भी लंबा होगा और आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको जब करेंगे तो y4 का y5 हो जाएगा, फिर से इसको क्या करेंगे, जैसे जो माइनस टू है ना, ये क्या है, इसमें भी है मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, तो इसको तो मैं u इंटू भी से करूँगा, ठीक। तो उसके लिए मैं y3 का जब डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, y4 हो जाएगा, और फिर मैं y1 को एज इट इज़ छोड़ूंगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर से फार्मूले में प्लस होता है लेकिन माइनस है तो माइनस होगा, ठीक। फिर से टू है ही, तो यहाँ पे आप देखिए अभी मैं इसका डिफरेंशिएशन किया था, देख लीजिए वाई फोर आया था ना, लेकिन अब उसको छोड़ देंगे वहीं पे वाई थ्री, और फिर इस वाई वन का करेंगे तो वाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, फिर ये बोला हूँ माइनस है, इसमें भी मल्टीप्लाई है तो माइनस यहाँ पे क्या होगा, टू, जैसे ये माइनस टू आएगा आगे, और ये क्या है, जब इस वाई टू टू द पावर टू का करेंगे तो टू आगे आ जाएगा, और वाई टू,
और फिर वाई टू का क्या हो जाएगा, वाई थ्री हो जाएगा। तो वही मैं इसको लिख सकता हूँ कि माइनस, आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए वाई वन वाई फोर, ठीक है। और यहाँ पे तो लिखूँगा कि माइनस टू वाई वन वाई फोर, ठीक। फिर से यहाँ पे देख लीजिए वाई टू वाई थ्री है, वाई टू वाई थ्री है, तो ये टू टू जब फोर है और फोर टू क्या होगा सिक्स है, तो माइनस सिक्स वाई टू वाई थ्री है। होप आपको समझ आया हो मैं कैसे किया हूँ। अब क्या करेंगे, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए कि हम लिखेंगे कि यहाँ पे वाई फाइव इक्वल्स टू क्या है, वाई फाइव इक्वल्स टू लिखेंगे माइनस टू वाई फोर, यही तो लिख रहे हैं भाई, वाई फोर फिर से वाई वन और यहाँ पे सिक्स वाई टू वाई थ्री, ठीक। तो ये मेरा क्या है, वाई फाइव है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि वाई फाइव ऑफ ज़ीरो की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो वो मेरा क्या आएगा, वाई फाइव ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। आप चाहें तो सॉल्व करके मतलब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, बहुत ईजी है। क्या करना है, यहाँ पे हिंट कर दे रहा हूँ, वाई फोर ऑफ जीरो, फिर से वाई वन ऑफ जीरो रखना है, फिर से वाई टू ऑफ जीरो, वाई थ्री ऑफ जीरो, ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है ना। होप आपको समझ आएगा, आप करेंगे खुद तो, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा कि वाई सिक्स फाइंड आउट करूँगा, फिर वाई सिक्स ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका जब वाई फाइव का करेंगे तो क्या होगा, वाई सिक्स हो जाएगा, फिर इक्वल्स टू, फिर इसको यू इंटू बी से, इसको भी यू इंटू बी से करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस टू, और जब यहाँ पे वाई फोर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई फाइव, और इसको एच डी छोड़ेंगे दैट इज़ वाई वन, फिर से माइनस टू, अभी देखिए किसको किए थे, इसको किए थे, अब इसको छोड़ेंगे तो दैट इज़ वाई फोर, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई टू, फिर से माइनस, अब इसको यू इंटू बी से करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए सिक्स, और इस क्या करेंगे जब इस वाई टू का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई थ्री हो जाएगा, वाई थ्री पहले से है तो वाई थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस सिक्स, अभी देखिए इसको किए थे, अब इसको छोड़ देंगे वाई टू, और इसको करेंगे वाई थ्री का तो क्या हो जाएगा, वाई फोर हो जाएगा। होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को फिर से देख लीजिए, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, वाई सिक्स निकल गया, अब वाई सिक्स ऑफ ज़ीरो की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो यहाँ सिक्स है, ठीक। तो अब क्या करेंगे कि वाई फाइव ऑफ जीरो, फिर से वाई टू वाई वन ऑफ जीरो, फिर से वाई फोर ऑफ जीरो, सबकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे माइनस ऑफ सिक्सटीन आएगा, आप कर लीजिएगा। वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैं नहीं कराया हूँ, लेकिन मैं हिंट कर दिया हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, फिर से बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए माइनस ऑफ वाई टू, फिर से वाई फाइव ऑफ जीरो की वैल्यू पुट करेंगे, देख लीजिए जीरो है तो ये खत्म हो जाएगा वहाँ वैसे ही, फिर से वाई फोर ऑफ जीरो, वाई टू ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक, ऐसे करेंगे, ठीक है ना, बहुत ईजी आप कर सकते हैं। अब हम जो भी वैल्यू फाइंड आउट किए हैं तो मैं क्या करूँगा, उसको मैकलॉरिन सीरीज में पुट करूँगा, तो लिखेंगे, ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा और बचा है, लिखेंगे पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन मैकलॉरिन एम एस सी एल यू आर आई एन मैकलॉरिन सीरीज या थ्योरम, जो भी आप बोलें। तो जब हम पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, तो हमें क्या पता है कि मैकलॉरिन का जो स्टेटमेंट है, जो सीरीज़ है, उसको क्या हमें पता है कि वाई ऑफ ज़ीरो होता है, फिर से एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, फिर से एक्स इंटू वाई वन ऑफ ज़ीरो होता है प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल वाई टू ऑफ ज़ीरो होता है प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल वाई थ्री ऑफ ज़ीरो होता है प्लस एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल वाई फोर ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स टू द पावर फाइव अपान फाइव फैक्टोरियल वाई फाइव ऑफ ज़ीरो प्लस, आपको भी याद होना चाहिए जैसे हमको याद है, एक्स टू द पावर सिक्स अपान सिक्स फैक्टोरियल वाई सिक्स ऑफ ज़ीरो होता है, ऐसे मेरा चलता जाता है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जो भी वैल्यू फाइंड आउट किया हूँ उसको इसमें पुट करूँगा, तो बहुत ईजी है। तो वाई की वैल्यू मैं क्या कंसिडर किया था, जिसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो क्या था, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स था, तो वो मैं पुट कर दिया, फिर वाई ऑफ जीरो की वैल्यू क्या था, वो जीरो था तो जीरो लिख दिया, फिर एक्स, फिर वाई वन ऑफ जीरो की वैल्यू मेरे पास क्या था, वो भी जीरो था तो उसको भी लिख दिया, फिर एक्स स्क्वायर अपन टू फैक्टोरियल वाई टू ऑफ जीरो की वैल्यू क्या था, वो मेरा माइनस वन था, आप पीछे से देख सकते हैं वीडियो को बैक करके, मैं फिर एक्स क्यूब अपन थ्री फैक्टोरियल वाई थ्री ऑफ जीरो की वैल्यू क्या था, वो मेरा था जीरो था तो उसको रख दिए आप, फिर एक्स टू दी पावर फोर अपान फोर फैक्टोरियल वाई फोर ऑफ जीरो की वैल्यू था हमारे पास माइनस टू, आप चाहें तो पीछे बैक करके देख सकते हैं, फिर एक्स टू दी पावर फाइव अपान क्या था फाइव फैक्टोरियल, फिर वाई फाइव ऑफ जीरो की वैल्यू था हमारे पास जीरो, फिर प्लस
आप लिख लीजिए x टू दी पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल y 6 ऑफ 0 की वैल्यू था हमारे पास -16 अभी फाइंड आउट किए हैं जस्ट, और ये प्लस डॉट 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 ऐसे मेरा चलता जाएगा। तो जब मैं इसको फाइनली सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, लॉग ऑफ कॉस ऑफ x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ 1/2। बहुत ईजी है, सिंपल मैथ है, आप कर सकते हैं। फिर से मेन मैं आपको बता दिया हूँ कि कैसे कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है ना। तो x टू दी पावर 4 आएगा यहाँ पे माइनस ऑफ 1/45। अगर आप मेरे वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, तो प्लीज़ शुरू से वीडियो देखते आइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यही मेरा क्या होता है, एक्सपेंशन होता है लॉग ऑफ कॉस एक्स का मैकलॉरिन्स थ्योरम से, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रूफ दैट लॉग 1 + 10x इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस 1/2x² + 2/3x³ डॉट डॉट डॉट, ये होता है हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं कैसे प्रूफ करता हूँ। तो हमें पता है मैकलॉरिन्स थ्योरम हर एक क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि भाई मैकलॉरिन MACLAURINS बाई मैकलॉरिन्स थियरम क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक। हम जानते हैं होता है कि y इक्वल्स टू y ऑफ 0 प्लस x इंटू y 1 ऑफ 0 प्लस x² / 2 y² 2 ऑफ 0 प्लस x³/3 y³ 3 ऑफ 0 प्लस डॉट 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 ऐसे मेरा चलता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि y ऑफ 0, y 1 ऑफ 0, y 2 ऑफ 0, y 3 ऑफ 0 इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस सीरीज में पुट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एक्सपेंशन हो जाएगा। तो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि लेट y इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, log 1 + 10x जिसको एक्सपेंड करना है उसी को मैं y कंसीडर कर लूँगा, ठीक। तो अब मेरे पास y आ गया तो हमें चाहिए क्या, y ऑफ 0, तो उसको निकालेंगे। तो क्या है, y ऑफ 0 फाइंड आउट करने के लिए हम जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, log 1, आप देख लीजिए log 1 प्लस 10 0, तो 10 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अल्टीमेटली ये क्या लिखा है, log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए दैट इज y1 ऑफ 0, y2 ऑफ 0, y3 ऑफ 0, मैं क्या करूँगा इसको थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख दूंगा। ऐसा इसलिए करूँगा, अगर यही मैं डिफरेंशिएशन करूँगा ना तो बहुत टफ होगा क्वेश्चन और सॉल्व भी नहीं हो पाएगा इजीली, ठीक। तो मैं दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लूँगा, तो ये एक्सपोनेंशियल लॉग को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + 10x हो जाएगा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लूँगा। जो इक्वेशन 1 कंसीडर किए हैं उसको हम क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें वाई वन ऑफ 0 की भी वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग, आप प्लीज़ ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वही मैं लिखा हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन करूँगा, तो ई टू दी पावर वाई का क्या होगा, ई टू दी पावर वाई ही होगा, ठीक। और इस वाई का करेंगे तो वाई 1 हो जाएगा, ठीक है ना, फिर इक्वल्स टू। अब मैं इस साइड करूँगा तो 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 होता है, सबको पता है। फिर टेन एक्स का जब करेंगे तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, होप आपको पता होगा, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक। अब इसको आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ से y1 ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, तो y1 ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए मैं फिर से क्या करूँगा कि इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को क्या करूँगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, तो यहाँ पे u इंटू v से करेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, आप प्लीज़ ध्यान से देखें, मैं क्या करूँगा कि e टू दी पावर y का करूँगा, तो e टू दी पावर y का क्या होगा, e टू दी पावर y, या फिर इस y का क्या होगा, y1 होगा, और y1 पहले से है तो क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर से अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। फिर अभी मैं e टू दी पावर y का किया था, अब मैं e टू दी पावर y को एज इट इज़ छोड़ूंगा और इस y1 का करूँगा तो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, फिर इक्वल्स टू। अब हम इसका करेंगे x टू दी पावर n वाले फार्मूले से, तो 2 sec x, और जब इस sec x का करेंगे तो क्या होगा, sec x tan x, तो sec x tan x हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको सिंपलीफाई करेंगे, दैट इज मैं क्या करूँगा, e टू दी पावर y दोनों में है तो इसलिए मैं कॉमन ले लूँगा, तो e टू दी पावर y और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर प्लस y2
टू हो जाएगा, ठीक, इक्वल्स टू, यहाँ पे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा और आप ध्यान से देखिए, तो मैं लिख सकता हूँ, आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर वाई इंटू वाई वन है, तो मैं यहाँ से रिप्लेस करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई टू द पावर वाई है और यहाँ पे वाई वन का स्क्वायर प्लस वाई टू है, और यहाँ से क्या करूँगा कि यहाँ पे तो टू रहेगा ही, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ से रिप्लेस करूँगा, तो डैट इज़ ई टू द पावर वाई और वाई वन, और यहाँ पे क्या है टेन एक्स एज इट इज़, ठीक। अब मैं ई टू द पावर वाई से ई टू द पावर वाई कैंसिल कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास मिलेगा, आप ध्यान से देखें कि वाई वन का स्क्वायर प्लस वाई टू इक्वल्स टू क्या मिलेगा, टू वाई वन फिर से टेन एक्स मिलेगा, ठीक। इसको मैं इक्वेशन नंबर थ्री कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा कि वाई टू ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई टू ऑफ जीरो की वैल्यू माइनस ऑफ वन। कैसे करना है, अभी तक आप मेरे वीडियोज़ देखते आ रहे होंगे तो आपको समझ आता होगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा हिंट भी कर दूँ कि मैं क्या करूँगा, वाई वन ऑफ जीरो की वैल्यू रखूँगा, ये तो मुझे निकालना ही है, और यहाँ पे भी वाई वन ऑफ जीरो की वैल्यू रखूँगा, टेन एक्स के जगह पे जीरो पुट करूँगा तो मेरा ये निकल आएगा, ठीक। अब मैं जो इक्वेशन नंबर थ्री फाइंड आउट किया हूँ उसको फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें वाई थ्री ऑफ जीरो की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए, तो लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, यही थ्री थ्री विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखें, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए, तो इसका जब करेंगे तो होगा टू वाई वन एक्स टू द पावर एन वाले फार्मूले से, और इस वाई वन का करेंगे तो क्या होगा वाई टू, और यहाँ पे वाई टू का करेंगे तो क्या होगा वाई थ्री हो जाएगा, फिर इक्वल्स टू यहाँ तो क्या होगा यू इंटू वी वाले फार्मूले से, ठीक, दैट इज प्रोडक्ट रूल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू जब वाई वन का करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई टू हो जाएगा, फिर टेन एक्स को एज इट इज़ छोड़ देंगे, फिर प्लस फार्मूले में होता है, फिर टू, फिर वाई वन को एज इट इज़ छोड़ देंगे, और टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। इतना आपको समझ आ रहा होगा। अब जो भी वैल्यू फाइंड आउट किए हैं उसको मैं क्या करूँगा, मैकलॉरिन्स के सीरीज में पुट करूँगा। तो लिखेंगे पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन मैकलॉरिन सीरीज या थ्योरम, जो भी आप बोलें उसमें मैं पुट करूँगा। तो वो सीरीज क्या था, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, क्या था, वाई ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स इंटू वाई वन ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल था, फिर वाई टू ऑफ ज़ीरो, आप भी इसको याद कर लें, बहुत ही काम का है, ठीक है। यहाँ पे वाई थ्री ऑफ ज़ीरो प्लस डॉट 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 ऐसे चलेगा। तो वाई के जगह पे मैं क्या कंसीडर किया था, लॉग वन प्लस टेन एक्स कंसीडर किए थे, फिर वाई एफ जीरो की वैल्यू हम क्या निकाले हैं, जीरो ही निकाले हैं, फिर एक्स है, फिर से वाई वन एफ जीरो की वैल्यू वन फाइंड आउट किए हैं उसको पुट कर दिए, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल वाई टू एफ जीरो की वैल्यू माइनस वन फाइंड आउट किए हैं, फिर एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, बिल्कुल वैल्यू को पुट कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है ना। अब मैं क्या आपको बता दूँ कि यहाँ से वाई थ्री एफ जीरो की वैल्यू मैं अभी निकाला नहीं हूँ तो उसको भी निकाल लेता हूँ। तो वो क्या होगा, जब फाइंड आउट करेंगे दैट इज़ वाई थ्री एफ ज़ीरो, तो वो हमारा क्या आएगा, फोर आएगा। कैसे किए हैं आपको हिंट कर दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगा कि वाई वन एफ जीरो वाई टू एफ जीरो, ये तो निकालना है, टू वाई टू टेन एक्स, एक्स के जगह पे हम क्या करेंगे जीरो पुट करेंगे, फिर से टू वाई वन एफ जीरो, फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे जीरो पुट करेंगे तो हमारा ये फाइनली वाई थ्री एफ जीरो की वैल्यू फोर आएगी, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वाई थ्री एफ जीरो की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज़ क्या है फोर है, फिर प्लस डॉट 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 ऐसे होगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आप ध्यान से देख लीजिए, यही हमारे पास आएगा, यहाँ पे तो एक्स होगा, फिर से क्या माइनस वन बाई टू, फिर से एक्स स्क्वायर, फिर से क्या आएगा हमारे पास टू बाई थ्री, यहाँ पे एक्स क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक। आई होप आपको बढ़िया से समझ आया है।